बच्चे के दिमाग में बहुत बढ़िया रहता है। देखिए आप सोच रहे होंगे 10वीं क्लास के अंदर जमा घटा गुना भाग समझा रहे हैं और मैं क्यों देखूं भाई वीडियो, जमा घटा गुना भाग तो मोए आतो है भैया, मैं तो ऐसे ही कर डाल लूंगा, मेरे तो उल्टे हाथ का खेल है ये, जबकि उल्टे हाथ से कलम भी नहीं चल रही फिर भी उल्टे हाथ का खेल बोल दे। क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th आप सभी जमा घटा गुना भाग आपको तो बहुत अच्छे से आता होगा, आप तो महारत हासिल कर रखी होगी आपने इन सब चीजों में, परंतु आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें असली वाली जमा घटा गुना भाग नहीं आती। उस असली वाली जमा घटा गुना भाग के बारे में आज हम बात करेंगे। एक बेसिक सा सवाल है कि 2 और 2 कितने होते हैं, वो 2 और 2 होते कितने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे अभी इस चीज के बारे में। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जमा घटा गुना भाग हम सीख रहे हैं मगर किस तरीके की जमा घटा गुना भाग है उस पर आज टोटल डिस्कशन होने वाला है, फोकस करेंगे अच्छे से। रिक्वेस्ट है आप सभी से, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं जमा और घटा के बारे में बात कर रहा हूं, यह हमारी हेडिंग है जमा और घटा। कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या या तो जमा की होती है या घटा की होती है, या तो कोई संख्या जमा की होगी या कोई संख्या घटा की होगी, कोई भी संख्या गुना की कोई भी संख्या भाग की नहीं होती, हमेशा या तो कोई संख्या जमा की होती है या संख्या घटा की होती है। तो देखिए जब 2 संख्याएं आपस में जमा और जमा की हैं तो उन्हें हम जमा करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, और जो हमारा जो चिन्ह लगता है, जो हमारा साइन आता है, वो जमा का आता है। यदि संख्या घटा और घटा की हो तो भी संख्या जमा होती है और चिन्ह घटा का आता है। यदि संख्या जमा और घटा की हो या घटा और जमा का केस हो, एक जमा या घटा, पहले जमा लग रहा हो बाद में घटा, पहले घटा लग रहा हो बाद में जमा, तो हमेशा आपको संख्या को घटाना है और चिन्ह टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करता है। क्या? बड़ी संख्या वाला चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या वाला चिन्ह आपको लगाना है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल्स के साथ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखिए मैंने फर्स्ट, ये फर्स्ट रूल है मेरा, ये सेकंड रूल है और ये थर्ड रूल है। अब मैं फर्स्ट रूल का एक क्वेश्चन देता हूं, 5 + 7 + 9 + 2 + 8 + 6 + 3 + 1 व्हाट इज अवर आंसर? तो आंसर क्या है भैया? तो सबको जोड़ना है, सिंपल, सारे जमा के जोड़ना है, 5, 7, 12, 12 और 9, 21, 21 और 2, 23, 23 और 8, 31 और 6, 37 और 40 और 1, 41। आपका आंसर 41। कई बच्चे बोलेंगे यहां जमा का निशान लगा दीजिए, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, अगर मैं जमा का निशान ना लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, ये जमा की ही संख्या है। यदि कोई चिन्ह ना लग रहा हो, साइन ना लग रहा हो, इसका मतलब है जमा की संख्या है। क्यों है जमा की संख्या? क्योंकि जमा थोड़ा शर्मीला होता है ये माना जाता है, और ये जो है अकेले में नहीं लगता। दूसरा सवाल, दूसरी कंडीशन के ऊपर, -5, -2, -7, -9, -5, -8, -3, -2 क्या आंसर होगा? सारे माइनस माइनस के हैं, जमा करना पड़ेगा, जोड़ दो, 5 और 2, 7, 7, 7, 14, 14 और 9, 23, 23 और 5, 28, 28 और 8, 36, 36 और 5, 41। क्या बात है, माइनस का 41, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन पर आते हैं, जमा या घटा और घटा या जमा की संख्या हो, तो आपके पास में कुछ सवाल है। एक सवाल है कि -5 + 2 - 9 + 7 + 2 - 8 - 6 + 2 - 9 हमारा आंसर क्या होगा? तो कंफ्यूज ना हो, जमा और घटा की संख्याएं हैं इसमें, ये जो दोनों पॉलिसियां ये यूज होंगी हमारी, ये जो दोनों तरीके हैं इनका इस्तेमाल करना है हमें, किस तरह से इस्तेमाल करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले जमा जमा की या घटा घटा की संख्याओं को एक साथ लिखो, तो मैं जमा जमा की एक साथ लिख रहा हूं, 2, 7, -2, -2। अब घटा घटा की संख्याओं को एक साथ लिख दिया, -5, -9, -8, -6, -9। अब देखिए ये पहला और दूसरा रूल, ये पहला रूल है, ये दूसरा रूल है, यही तो है।
भाई इनको भी जोड़ना है, इनको भी जोड़ना है, घटा घटा का जोड़ने के बाद निशान चिन्ह माइनस का लगाना है, जमा जमा का जोड़ने के बाद निशान जमा का लगाना है, दो और सात नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह, माइनस पांच और नौ चौदह, चौदह और आठ बाईस, बाईस और छह अट्ठाईस, अट्ठाईस और नौ सैंतीस। अब आपको क्या करना है, तो अब यहां आ जाइए, जमा या घटा, या घटा या जमा, जमा घटा का रूल है, जमा और घटा, घटा करना है, सैंतीस में से तेरह को घटाना है, बड़ी में से छोटी घटेगी भाई, सात में से तीन गया चार, तीन में से एक गया दो, बड़ी संख्या वाला चिन्ह आएगा निशान, बड़ी संख्या 37 है, उसके आगे माइनस का निशान है, लगाना पड़ेगा, यदि संख्या माइनस में होगी तो माइनस लगाए के पड़ी बाबू, ना हटी, लगी, पक्का लगेगा, कच्चू हो जाचा, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, बात समझ में आ गई भैया जी, कुछ भी हो जाए घटा लगता ही लगता है, अगर माइनस की संख्या तो लगी, प्लस है नहीं लगेगा, मर्जी है लगाओ, मर्जी है मत लगाओ, माइनस की संख्या लगेगी लगेगी। होप आपको माइनस प्लस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तीनों एग्जांपल्स के साथ और कंडीशन के साथ, बट अब मेन कहानी शुरू होती है गुना और भाग की। सेकेंड हमारा जो हेडिंग है वो है गुना और भाग। अब ये जो हेडिंग है इसको समझिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ बातें बताई थी, दो बातें मैंने बोली थी कि कोई भी संख्या या तो जमा की होती है या घटा की होती है, कोई भी संख्या या तो जमा की होती है या घटा की होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहली एक संख्या है मेरे पास, रूल समझ लीजिए, रूल समझ लीजिएगा कि गुना, मान लीजिए मेरे पास में लिखा है जमा की एक संख्या है, वो गुना हो रही है दूसरी जमा की संख्या से, तो आप क्या करेंगे, संख्या को क्या करना है, गुणा ही करेंगे ना भाई, यहां जमा कर रहे थे तो यहां गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा का निशान है बीच में, और चिन्ह किस चीज का आएगा, तो बेटा जमा का आएगा, चिन्ह जमा का आएगा। इसी तरीके का रूल है कि जमा की संख्या भाग हो रही है जमा की संख्या से, तो आप संख्या को क्या करेंगे, भाग करेंगे, मगर आप चिन्ह किस चीज का लगाएंगे, तो चिन्ह आपका आ जाएगा फिर से जमा का। तो ये पहली कंडीशन है, आपने देखा गुना में भी वही रूल है और भाग में भी वही रूल है, चिन्ह कौन सा आ रहा है, जमा का आ रहा है, और भाई भाग है तो भाग ही करोगे, गुना है तो गुना ही करोगे, अपनी मर्जी से थोड़ी ना कर दोगे, हैं? पापा जी ने थोड़ी ना होमवर्क दिया है, मेरी मर्जी है ना, आपको तो करना है। सेकंड रूल, सेकंड रूल ध्यान दीजिएगा, सेकंड रूल, माइनस की संख्या गुना हो रही है माइनस की संख्या से, क्या करेंगे, तो गुना तो करना ही है, क्यों करना है, क्योंकि गुना तो लगा ही है, और चिन्ह किस चीज का लगाएंगे, अरे वाह भाई यहां तो कहानी बदल गई, तो यहां चिन्ह जमा का आ जाएगा। अब बच्चे के दिमाग में बहुत बढ़िया रहता है, देखिए आप सोच रहे होंगे दसवीं क्लास के अंदर जमा घटा गुना भाग समझा रहे हैं, और मैं क्यों देखूं भाई वीडियो, जमा घटा गुना भाग तो मोए आतो है भैया, मैं तो ऐसे ही कर डाल लूंगा, मेरे तो उल्टे हाथ का खेल है ये, जबकि उल्टे हाथ से कलम भी नहीं चल रही, फिर भी उल्टे हाथ का खेल बोल देते हैं। भैया जी देखो यहां सीन क्या, बच्चे अक्सर बोलते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो कंडीशन देखो, माइनस माइनस प्लस होता है जमा होता है, निशान माइनस का आता है, यहां माइनस माइनस गुना हो रहा है, निशान प्लस का आ रहा है, देखो यहां निशान माइनस का लगाना है या निशान प्लस का लगाना है, कंडीशन ही चेंज हो गई ना। सेकंड इसी की तरह से माइनस की संख्या भाग हो रही है माइनस की संख्या से, तो आप भाग तो करेंगे मगर आपका जो चिन्ह लगेगा वो भी प्लस का लगेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, आगे चलो। थर्ड रूल, तीन ही रूल इसके, तीन ही रूल इसके, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके रूल क्या है भाई, तो ये रूल है कि मान लीजिए आपके पास में एक जमा की संख्या है और गुना हो रही है घटा की संख्या से, या पहले घटा की संख्या है और गुना हो रही है वो जमा की संख्या से। भाई मैंने बताया या तो संख्या जमा की होगी या सीधा संख्या घटा की होगी, एक सवाल आपसे पूछ लिया गया नॉर्मल सा कि बताइए यहां से और आनंद विहार जाना है तो बताइए भैया कितनी बार घूमोगे, तो बंदे बड़े कंफ्यूज हो गए, उसके पूरा उसने रास्ता मैप निकाल लिया, उसने एक बार दो बार गिनने लगा, तो बंदे ने सीधा सीधा बोला कि भैया दो बार घूमूंगा, एक बार लेफ्ट घूमूंगा एक बार राइट, या तो लेफ्ट घूमूंगा या राइट घूमूंगा, भैया तो मैं लेफ्ट जाऊंगा या राइट जाऊंगा, और तो कहीं जा नहीं सकता, जब आप मोड़ चलते हो तो दो ही तो चलते हो लेफ्ट या राइट, वही वाला सीन यहाँ है, संख्या या तो जमा की होगी या घटा की होगी, नॉर्मल सी बात है। अब ध्यान दो, तो यहां पर आप जमा घटा या घटा जमा की संख्याओं को गुणा करते हैं, तो संख्या तो आप गुणा ही करेंगे क्योंकि गुणा करने के लिए बोला है, मल्टीप्लाई करने के लिए, मगर आप चिन्ह हमेशा घटा का लगाएंगे। आखिर कितनी बार जमा को जिताओगे, कहीं तो घटा को जिताओ,
तो जमा घटा के अंदर गुना करते समय घटा का निशान आता है, संख्या गुना होती है। इसी रूल को आगे यदि मैं भाग में बोलूं कि जमा भाग हो रहा है घटा से या घटा भाग हो रहा है जमा से, तो ऐसी संख्या हमेशा भाग होती है क्योंकि बीच में भाग का निशान है, मगर आप जब चिन्ह लगाएंगे तो आप हमेशा घटा का चिन्ह लगाएंगे। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, कुछ उदाहरण देखने पड़ेंगे जैसे इसमें देखा था। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। रूल नंबर वन, पहला रूल है मैंने लिखा 5 × 2, ये भी जमा की संख्या है और ये भी जमा की संख्या है, 5 × 2 = 10 और ये जमा का आपके पास में 10 आ गया। बेसिक समझ में आ गया। अब आगे चलिए भाग कर कर देख लेते हैं। मैंने लिखा -10 / 2, तो आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, पहली संख्या को ऊपर दूसरी संख्या को नीचे, 2/10 / 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, जमा का 5 बच गया आपके पास, संख्या भाग हो रही है दोनों जमा जमा के, निशान माइन जमा का ही आ रहा है, गुना हो रही है निशान जमा का ही आ रहा है, समझ गए। दूसरा रूल, दोनों संख्या घटा घटा की, तो मैंने लिखा -5 × -2, और बोलेंगे भैया गुना का निशान नहीं लगाया आपने। देखिए भाई ऐसा है, दोनों ब्रैकेट में है तो ये गुना का निशान ही है समझ लीजिए, कई बार आपको बिंदु भी दिखेगा यहाँ पर, जब आप एलजेब्रा में जाएंगे तो यहाँ बिंदु भी नजर आएगा आपको, तो वो गुना का निशान होता है। यहाँ पर भी ये दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, 5 × 2 = 10 और -± + ये तो शेर बन गया, 5 × 2 = 10 −± + वाह क्या बात। आगे देखो, इसको मैंने लिख दिया 10, वो भी माइनस का, और ये भाग हो रहा है किससे, -2 से, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, -10/(-2), माइनस से माइनस कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, आपके पास में प्लस का 5 बच गया। प्लस प्लस की संख्याओं से भी प्लस की संख्या निकल कर आती है, माइनस माइनस संख्या अगर यदि गुना और भाग हो तो उससे भी प्लस की संख्या निकल कर आती है। थर्ड रूल देख लीजिए, ये वाला रूल, थर्ड वाला रूल, मैंने लिखा -5 और ये गुना हो रहा है 2 से, तो 5 × 2 = 10, -10। मैं इसका उल्टा कर लेता हूं, मैंने लिख दिया 5 × -2, आंसर -10, 5 × 2 = 10। यहां भी समझने की जरूरत है, मैंने बोला कि जमा घटा या घटा जमा में संख्या घटा होती है हमेशा, और चिन्ह बड़ी संख्या वाला आता है। बेटा जब जमा संख्या की जमा घटा की पॉलिसी पे आओगे ना तब बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाओगे, मगर जब गुना भाग करने आओगे ना तो जमा घटा के अंदर ऑलवेज घटा का निशान आएगा, चाहे संख्या बड़ी पे लग रहा हो घटा का निशान, चाहे छोटी पे लग रहा हो घटा का निशान। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे चलिए देखिए, इसी के साथ इसी को समझिएगा अच्छे से, यही समझने की है कि आपको भाग करके मैं दिखाऊं कि -10/2, इसको मैं लिख सकता हूं कैसे कि -10/2, आपका आंसर क्या आएगा, -5 आएगा, 2 × 5 = 10 कट गया, -5 आ गया। या फिर मैं लिख दूं 10/-2, तो आप इसको लिखेंगे 10/ में लिख देंगे -2, तो भी आपका आंसर -5 ही आएगा, ये माइनस चाहे ऊपर लग रहा हो चाहे नीचे, एक जगह लग रहा होगा तो माइनस में संख्या आएगी। बात समझ में आ गई, जमा घटा गुना गुना भाग की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी होपफुली। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।